आज का मेरा ये वीडियो हेयर स्ट्रेटनिंग के ऊपर है, जिसे हम हेयर प्रेसिंग भी बोलते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हेयर प्रेसिंग किस तरह से की जाती है बालों में। हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए हमें चाहिए एक हेयर प्रेसिंग स्ट्रेटनर, टेलकॉम, सेक्शन क्लिप और एक स्प्रे बॉटल पानी की। हेयर स्ट्रेटनर का टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। हमें हेयर स्ट्रेटनर अच्छे ब्रांड का ख़रीदना चाहिए, जिससे हमारे बाल डैमेज नहीं होते। हेयर स्ट्रेटनिंग करने से पहले हमें अपने बालों को अच्छी तरह से शैम्पू से वॉश करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बालों में किसी भी तरह का ऑयल ना हो, डस्ट ना हो। मैं यहाँ पर इनके गीले बालों में हेयर स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करूँगी करना, क्योंकि गीले बालों में स्ट्रेटनिंग करने से बाल अच्छी तरह से सेट रहते हैं और सीधे रहते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए मैं इनके सारे बालों की हेयर सेक्शन पार्टिंग करूँगी, जिससे हर एक बालों में अच्छी तरह से हेयर प्रेसिंग हो सके। मैंने यहाँ पर अपने हेयर स्ट्रेटनर का टेम्परेचर रखा है 230 डिग्री, जिसको मैं अच्छी तरह से गर्म होने दूँगी। हेयर स्ट्रेटनिंग करते समय हेयर स्ट्रेटनर को स्कैल्प से थोड़ा दूर करके ही हेयर प्रेसिंग स्टार्ट करें, क्योंकि स्कैल्प में अगर हेयर स्ट्रेटनर गर्म लगेगा तो आप जल सकते हो और स्कैल्प डैमेज हो सकता है। एक एक बालों की लेंथ पर हेयर स्ट्रेटनर को ऊपर से नीचे की ओर कम से कम 4 से 5 बारी करें, जिससे आपके बाल स्ट्रेट लगेंगे। स्ट्रेटनर का जो मूवमेंट होता है बालों के ऊपर, वो रुकना नहीं चाहिए। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में करते हुए दिखा रही हूँ, अपने सभी बालों में हेयर स्ट्रेटनर को इसी तरह से चलाएं। मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करते समय यहाँ पर किसी भी तरह का हेयर स्प्रे और जेल का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं गीले बालों में स्ट्रेटनिंग दे रही हूँ, जिससे आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट रहेंगे।
आप अपने बालों में अच्छे स्ट्रेटनर का ही यूज़ करें, लोकल स्ट्रेटनर का यूज़ ना करें जिससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। मैं कुछ अच्छे स्ट्रेटनर आपको बता रही हूँ जो कि है वेगा का स्ट्रेटनर, ब्राउन का स्ट्रेटनर और ब्यूटी बियॉन्ड का स्ट्रेटनर। ये काफ़ी अच्छे हैं जिससे आपके कभी भी बाल डैमेज नहीं होंगे और आपको बालों का रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। कभी भी आप हैवी स्ट्रेटनर का यूज़ ना करें, हल्के स्ट्रेटनर का यूज़ करें जिससे आपको हेयर प्रेसिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप भारी स्ट्रेटनर यूज़ करोगे तो आपके हाथों में दर्द रहेगा और आप ठीक से हेयर प्रेसिंग भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके बाल हैवी हो तो आप हेयर ड्रेसिंग करते समय जो सेक्शन पार्टिंग होती है उन बालों को कम कम लें। अगर जब आप आगे के बालों की हेयर प्रेसिंग कर रहे हो तो आप आगे के सभी बालों को एक साथ लेके हेयर स्ट्रेटनिंग करें जिससे आपके बाल अच्छी तरह से स्ट्रेट रहेंगे। हेयर स्ट्रेटनिंग कंप्लीट करने के बाद आप आगे से किसी भी तरह का पार्टीशन कर सकते हो बालों का।
आप वीडियो में देख सकते हो कि इनके बाल कितनी अच्छी तरह से स्ट्रेट हुए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।